नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्ष और शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां त्यमस नदी में दो युवकों के बहने की घटना हुई है। बताया जाता है कि मछली मारने गया युवक अंकित माझी उफनाती त्यमस नदी में बह गया। परिवार के लोग तलाश कर ही रहे थे कि परिवार के ही युवक बाल कृष्ण माझी नाव में भरे पानी को निकालते समय गहरे पानी में चला गया। चंद्र घंटों के बीच परिवार के दो युवकों के बहने से क्षेत्र में मातम का माहौल है। बताया जाता है कि दोनों युवक सोहागी थाना क्षेत्र के चौथर के रहने वाले। अंकित माझी मंगलवार की शाम को डूबा था, जबकि बालकृष्ण बुधवार की सुबह नाव में भरे पानी को निकालते समय दुर्घटना का शिकार हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से तलाश कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर सोहागी थाना क्षेत्र से, जहां त्यमस नदी में दो युवकों के बहने की घटना हुई है। दोनों युवक एक ही परिवार के हैं। हाँ, एक का नाम बाल कृष्ण माझी है। तो जो पहले डूबा था? नहीं, उसका नाम अंकित माझी। पहले अंकित डूबा था कल रात में? हाँ। तो उसको बचा, आज तलाशी की जा रही, तब आगे कूद गया? नहीं भाई, तलाशी क्या था, रात भर बरसा पानी। जी जी। तो इनके पास नाव थी। जी। नाव में पानी भर गया। हाँ हाँ। ये सवेरे 4 बजे अपने नाव का पानी उलीच रहा था। ये अंकित? हाँ जी। और उसी में गिर गया नदी में। हाँ हाँ। बचाने उचाए नहीं गया था। ये बाल कृष्ण मछली मारने गया था कल शाम को। तो मतलब पहले बाल कृष्ण डूबा है? नहीं, पहले अंकित डूबा है। तलाश वलाश नहीं कर रहे थे, तलाशी से कोई लेना देना ही नहीं है, अलग घटना है। तो अलग अलग है, दूसरे दूसरे जगह के हैं? हैं एक ही जगह के, लेकिन ये नाव अपनी क्या था, इस रात में पानी बरसा। जी। नाव में भर गया पानी। जी। तो नाव डूबे ना, इसलिए अपनी नाव से पानी उलीच रहा था ये। उसका तलाशी मलाशी कोई लेना देना नहीं। अलग अलग है, भाई नहीं है ना सगे? नहीं, सगे भाई नहीं, चाचा भतीजे हैं परिवार। तो अभी कोई दो में से कोई नहीं मिला भैया ना? कोई नहीं मिला। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विराट 24 न्यूज। धन्यवाद।